जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हादसा हुआ। निर्माणाधीन बांध का बहा कुछ हिस्सा। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था बांध। बिहार के बाद अब झारखंड में भी गिरा पुल। गिरडी के अर्गा नदी पर बना ब्रिज ध्वस्त, तो ठेकेदार की लापरवाही आई सामने। दिल्ली में बारिश के बाद सिरसपुर अंडरपास के पास भरा पानी। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरिद्वार में बारिश से बुरा हाल। गंगा में बहे कई वाहन, तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। किसी के मारे जाने की खबर नहीं। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार जिले में गंगा के तेज बहाव में बहती कारों के मामले में दिया बयान। कहा कुछ लोगों ने नदी के आसपास अपने वाहनों को खड़ा कर दिया था। हरिद्वार में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तो तेज बारिश से उफान पर नदियां। पानी के तेज बहाव में बहे कई वाहन। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। उत्तराखंड में मॉनसून ने दी दस्तक। 4 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। मुरादाबाद में पहली बारिश के बाद ही भोलेनाथ कॉलोनी में भरा पानी। प्रशासन ने कॉलोनी में लगवाई नाव, तो वहीं लोग घरों में हुए कैद। उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब हरियाणा में भी भारी बारिश की चेतावनी। मथुरा में भारी बारिश से बनी जलभराव की समस्या। कई इलाकों में कई फीट तक भरा है पानी, तो 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उधर असम के डिब्रूगढ़ में बारिश से बुरा हाल। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। सीआरपीएफ कैंप में भी बारिश का पानी घुस गया है। पंजाब में भी बदला मौसम। कई शहरों में हुई जोरदार बारिश। पानी में डूबी हेरिटेज स्ट्रीट, तो वहीं लोगों को जलभराव की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। पटना नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। दूसरे दिन फिर पूछताछ के लिए बेऊर जेल में मौजूद सीबीआई की टीम 13 आरोपियों से कर रही है पूछताछ। वही पेपर लीक मामले में सॉल्वर हुक्माराम से सीबीआई करेगी पूछताछ। तो राज पांडे नाम के शख्स की भी तलाश, तो वहीं संजीव के राइट हैंड की सर्चिंग में लगी है सीबीआई। पेपर लीक मामले में हजारीबाग से अब तक 3 की गिरफ्तारी। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पेपर कैसे करना है लीक, ये पूरा का पूरा एक रैकेट का काम है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन में सीबीआई। एमबीबीएस छात्र को लेकर करेगी पूछताछ। तो वहीं सॉल्वर गैंग से राज पांडे का कनेक्शन आया सामने। पेपर लीक मामले को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा मोदी की सरकार में की जाती है कार्रवाई, कांग्रेस में केवल बोला जाता है। नीट पर कहां चुप है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है। मोदी जी की सरकार में किया जाता है। नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज, तो गोधरा पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई को सौंपे गए पेपर लीक के 4 आरोपी। 4 आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी। उत्तराखंड के मसूरी से गंगाधर की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने उत्तराखंड की पुलिस की मदद से आरोपी को धर दबोचा। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया से फोन पर की बात। जीत के लिए दी बधाई, तो सभी खिलाड़ियों की सराहना भी की। देश भर में टीम इंडिया की जीत को लेकर मना रहा गया जश्न। पीएम के बाद अमित शाह ने टीम इंडिया के कप्तान और कोच से की बात, दी जीत की बधाई। टीम इंडिया की शानदार जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। भारत की जीत पर विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा का बयान भी सामने आया। कहा गया जीत से पूरा देश उत्साहित है, विराट और रोहित ने बनाया कीर्तिमान। भारतीय टीम को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस जीत की बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और ये लम्हा आया, खुशी का लम्हा है ये, और मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। वहीं साथ ही विराट और रोहित को जीवन के अगले पड़ाव के लिए भी शुभकामनाएं। भारत की जीत पर बोले रोहित शर्मा के कप्तान। कहा टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी की, रोहित ने दी बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा। यही तो वर्ल्ड कप जीते, वही तो मुझे गुरुदक्षिणा मिली। कल मुझे रोहित ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया, से मुझे लग रहा है।
टी20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद रोहित शर्मा ने लिया बड़ा फैसला, टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का किया ऐलान, कहा कप जीतने और अलविदा कहने से बेहतर खुश नहीं। तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड